कैमरा वुमन है ना, तेजस्वी, तो मैंने अच्छा सेटिंग किया आज, तो क्या शुरू करेंगे प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए और क्लास के लिए परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद जो लोग आए हैं और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं सुन रहे हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कल का सर्विस के लिए, पूरा कलिसिया जो जगह हॉल पूरा भरा हुआ था उसको बाहर देते हैं परमेश्वर, बढ़ा रहे हो कलिसिया को, नया लोगों को परिवारों को लेके आ रहे हो धन्यवाद, और जो क्लासेस हो रहा है, जो मीटिंग्स हो रहा है यूथ का बच्चे लोग का, सबको धन्यवाद परमेश्वर, काफ़ी लोग हैं मानपुर एरिया में जिसको पहुँचा सकते हैं ये सुंदर वचन के साथ परमेश्वर, आने वाला समय पर जो अफवाहों का मन लेके आ रहे आपका वचन के द्वारा तैयार कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर, हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आपके साथ संगति करने के लिए आपसे सुनने के लिए हम आए हैं परमेश्वर, हमारा हमें नम्र रखिए, हमारा हृदय को खुलिए खोलिए परमेश्वर, जो आपका बात सुनने के लिए और हमारा जीवन प्रसन्न रहे आपके सामने परमेश्वर, आपका सामर्थ को हम लागू करने के इस्तेमाल करने के लिए, जो शैतान का कोई भी योजना है उसके लिए हमें मदद कीजिए आशीष को, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। सो आज क्लास 14 है, पिछले क्लास में हमने आत्मिक आवरण ना दो एक्चुअली तीन देखे ना, 8, 9 और 10, स्पाउस ना हस्बैंड ने तो वाइफ ना उनका, और नम्रता के बारे में देखे, उसके बाद क्या है शैतान का क्या क्या जाल होगा, 4 जाल इसमें 3 देखे हैं ना, पहला बहस करना नहीं तो वाद विवाद करना, और दूसरा बात ना डिविशन, शैतान हमेशा लोगों को अलग करता है, और तीसरा हम शक के बारे में देखें क्या क्या चीज के ऊपर शक लेके आता है, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और हमारा मसीह का जीवन, ये 3 चीज के बारे में हमने देखे जो जिसके ऊपर शैतान अलग अलग रूप से शक लेके आता है, तो आज 14 जाल के बारे में देखने वाले, और एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे कि जाल खत्म होने के बाद, तो चौथा जाल है डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब धोखा देना लिखा है, मतलब एक झूठ के रूप में धोखा देना, क्योंकि शैतान वही काम करता है, तो हम 4 छोटा पॉइंट है ये डिसेप्शन का समझने के लिए, कि पहला ये है हम कभी कभी विश्वास करते हैं नहीं तो समझते हैं कि कुछ चीज अच्छा है मगर वो अच्छा नहीं है, वो दिखता है अच्छा मगर वो अच्छा नहीं है, वो एक डिसेप्शन है, एक धोखा है, एक झूठ है, और दूसरा कुछ ऐसा दिखता है, कुछ सिचुएशन हो, कुछ व्यक्ति हो, ऐसा दिखता है कि ये कोई आशा नहीं है इसमें, ये सिचुएशन में आगे कोई आशा नहीं है, ये व्यक्ति के ऊपर आगे कोई आशा नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, परमेश्वर उनके अंदर भी कार्य कर सकते हैं, इसमें आशा है, दोनों तरफ हो सकते हैं, अच्छा और बुरा, निराशा, और तीसरा कुछ सिचुएशन नहीं तो व्यक्ति सच लगता मगर सच नहीं है, और चौथा जो कोई सिचुएशन और व्यक्ति बहुत अच्छा सुंदर लगता मगर वो
सुंदर नहीं है। क्या है, कुछ बाहर अच्छा दिखता है, नहीं तो बाहर बुरा भी दिख सकता है, मगर कुछ अंदर छुपा हुआ है। अंदर अलग है और बाहर अलग है। तो यीशु मसीह किसको बोले थे ऐसा कि तुम लोग अंदर अलग है और बाहर अलग है, किसी को बोले? उन्होंने पापी लोग का बोले थे ऐसा, और किसी को बोले? जो उस समय जो व्यभिचार कर रहे थे, पाप कर रहे थे, वो लोग मान रहे थे ना, वो पाप कर रहे थे, मगर यीशु के सामने मान रहे थे मैं पाप किया। जैसे ज़कैस भी था, वो मान रहे थे, पर कुछ लोग बहुत बाहर ऐसा दिखता है बहुत आत्मिक है, मगर उनका मन में पूरा क्या था, रूढ़िवादीपन था, और मतलब बाहर के जैसे उनके अंदर नहीं था। सदुसियों फरिसियों ना, उनको ही बोल रहे क्या, एक जगह पे बोल रहे थे मतलब आप लोग सांप का पुत्र जैसे था, सन ऑफ वाइपर्स, ऑफस्प्रिंग्स ऑफ वाइपर बोलते हैं, और दूसरा जगह पे बहुत बहुत अच्छा पेंट किया हुआ कब्र जैसे ना, वाइट वॉश टूम्स, बाहर अच्छा दिखता है बट एक्चुअली अंदर क्या है, मरा हुआ है। कभी कभी आप सब्जी काटोगे बाहर अच्छा दिखता है, अंदर कुछ खराब हुआ है। बाहर बहुत अच्छा दिखता है फ्रेश, बट अंदर खराब हुआ है। ये क्या है, उसमें जेन्युइनिटी नहीं है, सच्चापन नहीं है। और परमेश्वर क्या चाहता है, सच्चापन चाहता है। मैं गलती किया हूँ, मैं गलती में मानता हूँ, और परमेश्वर मुझे मदद करेगा। अगर मैं पाप किया हूँ, मगर मैं बोलूँगा मैं अच्छा आदमी हूँ, खुद का धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस, वो क्या करेगा, परमेश्वर मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी घमंड के द्वारा आता है। तो ये प्रकाशित वाक्य 12:9 पढ़ेंगे, कोई जो से पढ़ सकता है। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये सारे संसार को, ये शैतान के बारे में है ना ये वचन, और ये सारे संसार को भरमाना भरमाता है, तो वो धोखा देता है झूठ के द्वारा। और ये झूठ कैसे आता है, सच जैसे आता है। वो जैसे आप सोचो कि हम काफी चीज बाहर रूप पे देके सही लगता है, कोई कोट सूट डाल के आके आपको कुछ बोलेगा, आपको लगता है आदमी सच बोल रहा है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, कोट सूट को देख रहे हैं, बाहर का वस्त्र को देख रहे हैं, अच्छा शेव किया है, बहुत टिप टॉप दिख रहा है, मगर वो क्या कर रहा है, उनका कुछ काम जो बोल रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो गलत हो सकता है ना। तो ऐसे तो वो बहुत धार्मिक दिखेगा बाहर, मगर शैतान उसके अंदर झूठ छुपा हुआ है। तो क्योंकि ना ये आजकल आपको ये मिलता है ना कि ये ब्रांड का चीज का झूठा वाला मिलता है, राइट? जैसे आपका शू है, पूमा है, एडिडास है, उसका जो रियल वाला लेना है आपको कितना, 2,000-3,000 होगा, तो मगर आपको मार्केट में 600-700 रुपये में उसका ऐसे ब्रांड लिखा होगा, बट उस सच में वो नहीं है। कुछ लोग एप्पल आईफोन रखते हैं, उनको दिखाना है कि मेरे पास आईफोन है, तो कुछ लोग के पास सच में होगा, कुछ लोग झूठा भी रख सकते हैं, वो दिखता है आईफोन जैसे मगर वो सच नहीं है, राइट? उसका प्राइस कितना होता है, कम होता है, सच प्राइस से कम होता है, उसका वैल्यू नहीं होता है। बट क्यों लोग सब, हर कोई लोग देखते हैं अच्छे, उनको समझ आएगा ये ऐसा, वो सोचेंगे ये सच वाला आईफोन है, राइट? तो शैतान थोड़ा सच इस्तेमाल करता है
क्योंकि उसको सच जैसे दिखाने के लिए। आप सोचिए कि अगर 100% सच है तो उसमें शैतान मतलब 95% भी सच इस्तेमाल करेगा, मगर वो 5% है छोटा झूठ डालेगा जिसको सच से अलग करेगा। तो क्योंकि तब उसको परखना मुश्किल होता है। अगर 50% झूठ है तो उसको परखना आसान होता है, काफी लोग परख सकते हैं कि मैं झूठ बोलना अच्छा नहीं है, मैं किसी को मारना अच्छा नहीं है, मगर उसमें सच 95% है, 99% है, तो फिर मुझे लगेगा ये सच जैसे ही है, मगर वो सच नहीं है, झूठ मिला हुआ है। उसको शैतान इस्तेमाल करता है, जितना सच के पास लेके आएगा मगर सच नहीं होगा, तो वो यूज करके वो धोखा देता है, राइट। तो अभी दो चीज देखेंगे, जैसे एक ही शब्द, एक ही विषय, मगर परमेश्वर कैसे कहता है और शैतान कैसे कहता है। अभी रोमियो 3 में क्या लिखा है, परमेश्वर बोल रहा है सब लोग परमेश्वर, कोई भी धार्मिक नहीं है इस दुनिया में, रोमियो 3:10-33 में सब लोग परमेश्वर का न्याय से घिरा हुआ है ना, सबने वो मार्ग को मिस किया है। तो मगर परमेश्वर ये बोल रहा है, क्यों बोल रहा है कि वो ये सच्चाई क्या है दिखाने के लिए, और वो एक पत्रस 1:16 में ये भी बोले तुम मेरे, मैं पवित्र हूँ मेरे जैसे तुम लोग भी पवित्र हो। और शैतान इसी को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, कि शैतान जब बात करेगा वो बोलेगा कि इस दुनिया में कोई भी सच्चाई नहीं है, इस दुनिया में सब लोग झूठे हैं, तुम भी झूठ रह सकते हो, उसमें क्या है। परमेश्वर क्या बोले, परमेश्वर सच बोल रहा है, वो बोल रहा है पवित्रता के बारे में, और शैतान उसी को क्या इस्तेमाल करेगा कि सब लोग झूठे हैं, सब लोग कोई भी परमेश्वर के पीछे चल रहा है, तो तुम परमेश्वर के पीछे ना जाने से कोई फर्क नहीं, तुम भी उनके जैसे है ना, तो ये गलत नहीं है। तो उसी शब्द को अलग तरीके से, सच एक ही है मगर किस क्या आत्मिक क्या आत्मा से वो बता रहा है ना, कैसे हमें बाहर लेके जाने के लिए बता रहा है। तो पहला झूठ जो शैतान बोल सकता है, तेरे पास आत्मिक चीज के लिए समय नहीं है, तेरे पास आत्मिक चीज के लिए समय नहीं है। वो बोलेगा कि अभी ये समय है पैसा बनाने के लिए, ये समय है आपका जीवन में आनंद एंजॉय करने के लिए, तुम इधर जाओ ऐसे खाना खाओ, इधर जाओ घूमो फिरो, अलग अलग एक्सपीरियंस ले लो, एंजॉय करो, उसके लिए समय इस्तेमाल करो, कि वचन पढ़ने के लिए, कलीसिया जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तेरे पास अभी क्यों समय इस्तेमाल करो। और स्पेशली युवक लोग का बोलेगा, तुम 60 साल के बाद तुम अच्छा काम करो, 60 साल के बाद मतलब तुम रिटायर होने का होएगा ना, उसके बाद तुम धार्मिक चीज में जाओ, ये विश्वास का चीज में जाओ, उसके बाद क्यों अभी से करना, अभी तेरा जीवन को देखो, कि अभी तुम युवक का समय है, तुम लाइफ एंजॉय करने का समय है, ये आत्मिक चीज के लिए नहीं है, ऐसा कौन झूठ बोलता है, शैतान झूठ बोलता है। तो हम घर पे मेहमान आएंगे कोई, हम उनको जो हम खा के जो बचा हुआ चीज देंगे, नहीं तो पहला चीज उनको देंगे, पहला ना, तो अगर उनको सम्मान करेंगे उनका हम पहला चीज देंगे। तो जब हमारा युवक का समय है ना, ऐसा है कि पहला चीज, जैसे हम दिन का पहला समय हम परमेश्वर को देंगे, क्या दिखाते हैं, उनका ऊपर सम्मान और आदर दिखाते हैं। और अगर मैं ऐसा सोचूंगा, ये जानते हुए बोल रहा हूँ ना, का तो ये जानते हैं कि परमेश्वर सच है, परमेश्वर का सेवा करना मुख्य है, और मैं युवक हूँ, तो अगर मैं मेरा युवक का समय परमेश्वर के लिए दे रहा हूँ, मैं क्या मेरा बहुत मूल्य चीज में परमेश्वर पहला चीज में उनको दे रहा हूँ, कि मैं 60 साल में मेरे लिए जिया, और उसके बाद मैं सोच रहा ठीक है अभी मैं थोड़ा, अभी मेरे पास थोड़ा समय है, मैं अभी थोड़ा सेवा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं ऐसा होगा कि मतलब मैं मेरा जो
मुख्य समय है उसको मैंने नहीं दिया। कि ये किसको बोल रहा हूँ, जो प्रभु को पहले से जानते हैं ना, कि अगर मैं 10 साल 12 साल में जाना और मैं मेरा पूरा युवक का समय मेरे पास था मैं परमेश्वर को देने के लिए। कुछ लोग का अलग होता है राइट, कुछ लोग का परमेश्वर जानते हैं शायद 50 साल 60 साल, तो उनके लिए नहीं बता रहा। जो हमारे पास मौका है अपॉर्चुनिटी है उसको यूज कर सकते हैं। और शैतान ये भी करेगा कि जो पास्टर शिपल ये हमेशा बोलते हैं ना, अच्छा काम करने के लिए देगा मगर परमेश्वर का काम नहीं करने के लिए देगा। मतलब गुड वर्क्स नॉट गॉडली वर्क्स। कि अभी ये सोसाइटी में ऐसा चल रहा है ना कि स्वच्छ भारत अभियान ना? कि सबका स्वच्छ रखो, कि गली का रास्ते का जगह का, मगर मन के बारे में कोई बात नहीं करता ना? तो क्लीन करो, वो अच्छा चीज़ है मगर वो किसी का अनंतकाल जीवन को बदल सकता है क्या? शायद नहीं। मगर आप सुसमाचार दोगे उनका मन बदलेगा और वो आसपास जगह, उनका मन शुद्ध होगा, वो आसपास जगह को भी वो शुद्ध रखेगा ना? अंदर का शुद्ध बाहर दिखाई देगा राइट। जैसे कुछ लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, वो शायद हेल्प करेंगे कुछ लोगों को, किसी को खाना नहीं है उनका खाना देंगे, ये सब अच्छी बात है। बट अगर सच्चाई नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, वचन नहीं है, ये सब अच्छा किया है शायद काफ़ी साल अच्छा किया, मगर अंत में कहाँ पे जाएंगे मरने से? बिना सच्चाई का नरक में जाएंगे। तो शैतान क्या करेगा, ये सब में लगे रहो, आनंद, तेरा रिश्ता ना, युवक लोग का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना, और पैसा बनाना और बड़ा होना, बड़ा पद में होना, अमीर होना और अच्छा करो ना, तो ताकि हमें आत्मिक चीज के लिए समय नहीं ना। दूसरा, ये दूसरा झूठ, दूसरा जो दो का जो सच शैतान इस्तेमाल करता है, कल के बारे में मत सोचो। हमें मालूम है पाप करना हमेशा मृत्यु में लेके जाता है, नाश और नाश कर पाता है हमारा जीवन को, हमारा चरित्र को ना, हमारा आशीष को, हमारा समाधान और खुशी को नाश करता है। शैतान क्या बोलता है, आज खुश रहने के लिए तुम कुछ भी करो, कल का चिंता मत करो। तो काफी पाप कैसे होता है, थोड़े समय के लिए आज के लिए खुशी लगता है ना? परमेश्वर भी हमें खुशी देना चाहते हैं मगर वो कैसे, उनका वचन के अनुसार, और जो वो खुशी हमेशा रहेगा। कि शैतान क्या करता है, वो मतलब एक छोटे कुछ समय के लिए जो बहुत आसान से खत्म हो सकता है ऐसे वाला खुशी देता है, और जैसे वो खत्म होगा आपका बहुत बुरा लगेगा क्योंकि वो पाप में लेके गया ना? तो खुशी कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद ग्लानी, शर्म, शर्मिंदा ये इसमें लेके जाओ पाप में राइट। तो अगर ना, अगर हम वचन में नहीं बने रहेंगे तो क्या होगा, वो जाल में हम गिर सकते हैं। और परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं परमेश्वर ये बोल रहा है कल के बारे में चिंता मत करो बोलता है, मगर कल के बारे में हम योजना तो करना है। परमेश्वर योजना का खिलाफ नहीं है, पर चिंता नहीं करने के लिए बोलता है। मेरा प्रॉब्लम है मगर परमेश्वर के पास दे सकता हूँ, मगर मैं कल का समय में कैसे मैं इस्तेमाल करना है, अगले हफ्ते में क्या करना है, मेरा मिशन ट्रिप है 2 महीने के बाद, उसके लिए कैसे प्लान करना है, तो एक दूसरा कलीसिया का टीम प्रिपेयर करना है 6 महीने के बाद, इसका योजना तो बनाना है। तो वो क्या है, वो बुद्धि का कार्य है राइट। तो क्या होगा, शैतान क्या बोलता है,
कल के बारे में मत सोचो, उसके द्वारा क्या लेके आता, पाप को लेके आता। और कभी कभी लोग ये सोच सकते हैं मैं पाप करूँगा और वो शायद किसी को पता नहीं होगा और उसका असर मुझे मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी कभी लोग सोच सकते हैं। मगर क्या है, परमेश्वर के सामने सब चीज़ खुला है, परमेश्वर सब चीज़ जानता है। आप सोचिए, अगर मैं एक बॉल ऊपर डालूँगा क्या होगा, कितना समय वो बॉल ऊपर ही रहेगा? कुछ समय के लिए ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा ना। क्रिकेट आप देखिए ना, कोई ऊपर मारेगा वो नीचे आना ही है वो बॉल। ये क्या है, एक नियम है, लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। तो इंग्लिश में ग्रेविटी बोलते हैं, हिंदी का पता है। तो जो भी ऊपर जाएगा क्यों वो नीचे आएगा, ये अर्थ का वो ग्रेविटी बोलते ना। तो ऐसे ही पाप का नियम है, जो पाप करेगा उसका असर है, कोई छुपा नहीं सकता। हम माफी पूछ सकते हैं मगर असर है ना, उसका जो दंड उसका दंड से हम बच सकते हैं मगर उसका असर है ना। दाऊद भी पाप किया ना, मगर उसका असर क्या हुआ, उसका छोटा बच्चा मर गया था, राइट। तो पाप हम जब करेंगे, शैतान का ये चूत धोखा सुनकर एक नियम शुरू हो जाएगा और उसका असर किसी ना किसी रूप में परमेश्वर लेके आएगा। तो पाप ना, तो और पाप काफी चीज को नाश कर सकता है। और कितना सेवका है, कितना कलीसिया, कितना सेवका है पाप के वजह से गिरा है ना? और गलत रिश्ता, नहीं तो ये पैसा का कारण, किसी ने पैसा चोरी कर लिया चर्च का अकाउंट से, तो चर्च का भी चलाने के लिए जरूरी पैसा नहीं है। और नहीं तो चर्च में कोई सेवा कर रहे हैं उनका किसी के साथ गलत रिश्ता था, और क्या हुआ, लोग जो आ रहे थे वो अभी उसकी वजह से नहीं आ रहे। तो ये सब पाप क्या करेगा, परमेश्वर का कार्य को नाश कर सकता है। तो ये दो चीज इस्तेमाल करता है शैतान चूत के लिए। और यीशु के बारे में क्या क्या, यीशु के बारे में क्या क्या झूठ बोला है, झूठ लेके आता है कि यीशु सिर्फ, यीशु सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है परमेश्वर के पास जाने के लिए, अनंत जीवन के लिए। या आपने कभी सुना है किसी ने आपको बोला है यीशु एक ही रास्ता नहीं है, यीशु के अलावा भी रास्ता है? नहीं सुना, आप सुने ना? इस्लाम, काफी अलग लोग भी है, मतलब ऐसा कल्ट्स भी है ना जो यीशु को मतलब जैसे यहूदी लोग भी थे। आप एक योहन्ना में देखेंगे, उसमें नॉस्टिक्स करके एक ग्रुप होता है, कल्ट ग्रुप होते हैं। वो लोग क्या बोलते थे, जो यहूदी लोग मसीह बने उनको क्या बोलते थे, आप सिर्फ मसीह को विश्वास करना काफ़ी नहीं है, जो यहूदी लोग रीति रिवाज कर रहे थे उसको भी आप चालू रखना है, तो तभी आपको उद्धार होगा। तो वो झूठ है, वो सच नहीं है। तो यीशु के ऊपर विश्वास करना ही काफ़ी है, उसके अलावा कुछ में करने का जरूरत नहीं है। मतलब यीशु के अलावा भी कोई बोल सकता है, अगर मैं अच्छा आदमी हूँ तो चर्च गेट में एक बहुत बुरा व्यक्ति आता है कभी कभी, वो बोलते हैं मैं हर धर्म को मैं पढ़ता हूँ, हर धर्म का स्थल में मैं जाता हूँ, और वो मानते हैं हर धर्म के द्वारा भी, हर एक धर्म के द्वारा परमेश्वर के पास जा सकता है। और यीशु मसीह एक रास्ता है और अलग अलग रास्ता है ना। और वो ये भी कहता है, जो दूसरा पॉइंट है, कि हर एक धर्म सच है, अलग अलग धर्म के द्वारा भी आप अनंत काल परमेश्वर के पास जा सकते हैं, अनंत काल जीवन पा सकते हैं। ये एक झूठ है। और तीसरा झूठ है यीशु के बारे में, शैतान क्या बोलता है, यीशु सिर्फ एक अच्छा आदमी था जो आया, अच्छी बात बताए और मर गए। इसमें क्या झूठ है, इसमें
कि वो सिर्फ आया और मर गया, सिर्फ एक अच्छा आदमी। और यीशु कौन है? ये स्टेटमेंट में मुख्य झूठ क्या है? ये स्टेटमेंट ये है ना कि यीशु एक अच्छा आदमी है जो आया, अच्छा चीज बताया ना, अच्छा शिक्षा किया लोगों के लिए, लोगों का जीवन के लिए, और फिर मर गया। तो इसमें क्या झूठ है? सिर्फ एक अच्छा आदमी। तो क्या सच स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? वो पवित्र था और वो सिर्फ आया और मरा नहीं, लेकिन वो मरने के बाद भी उसने हमारे लिए उद्धार का कारण दिया। तो मतलब परमेश्वर भी आना है ना। हाँ। मतलब सच क्या है? वो सिर्फ मनुष्य नहीं है, सिर्फ एक अच्छा आदमी नहीं है, एक अच्छा शिक्षित यीशु मसीह परमेश्वर है जो मनुष्य होके हमारे लिए आया ना। और ऐसे मरा नहीं, वो बाप के लिए मरा, जैसे आपने बोले ना, हमारा उद्धार के लिए उन्होंने मरा, हमारा पाप का माफी के लिए मरा। क्योंकि काफी लोग मरते हैं, राइट? काफी लोग कुछ कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने कुछ कार्य किया और उनको लोग मार दिए, कोई लड़ाई किया, अपना देश के लिए लड़ाई किया, आर्मी में वो मर गए। ये लोग भी मरे एक अच्छा रीजन के लिए, मगर वो उनका जो मरण मृत्यु किसी का पाप को नहीं धो सकता, किसी को उद्धार नहीं दे सकता, कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो और जब जो लोग विश्वास में नहीं है, ये सब झूठ उनको सच लगता है। आप अगर आप प्रीच में नहीं तो किसी से बात कर रहे हो यीशु मसीह के बारे में और बोलोगे यीशु मसीह एक ही रास्ता है, काफी लोग नहीं मानते, क्योंकि उनका मन में ये सच, ये झूठ शैतान ने ऑलरेडी डाल के रखा है, ये संसार को और समाज को इस्तेमाल करके। सिर्फ यीशु नहीं है, यीशु हो सकता है मगर उसके अलावा भी लोग हैं ना। सिर्फ मसीह के द्वारा नहीं है, मसीह जीवन के द्वारा नहीं है, मगर कोई और धर्म के द्वारा भी परमेश्वर का पा सकते, उद्धार पा सकते हैं। और ये भी बोलेगा यीशु मसीह परमेश्वर ने ऐसे भी एक अच्छा आदमी है, अच्छा शिक्षा उसमें, और उनके जैसे कोई काफी लोग आए हैं गए हैं। तो ये शैतान झूठ इस्तेमाल करता है और ये संसार में लोग उसको मानते हैं, अपनाते हैं, उस वजह से वो विश्वास में नहीं आता और उस वजह से उनका जीवन नाश होता है। हमें क्या चाहिए? सच चाहिए, सच के ऊपर विश्वास चाहिए। काफी लोग के पास विश्वास है मगर विश्वास गलत जगह पे है। कुछ लोग के पास विश्वास है पत्थर के ऊपर, कुछ लोग के विश्वास है जो सृष्टि के ऊपर, अलग अलग सृष्टि के ऊपर, मगर सृष्टिकर्ता को नहीं जानते, सृष्टिकर्ता और उनके वचन के ऊपर नहीं विश्वास करते। हम किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो मुख्य है। अभी ये दो ना, अभी ये चौथा जाल जो झूठ है, धोखा है, उसके बारे में हमने देख लिया और उसके कैसे हम सामना कर सकते हैं, जैसे उसका दवाई क्या है, ये झूठापन और धोखा का 3 points दवा क्या है। मतलब हमने पहला 2 point देखे, राइट? मतलब तेरे पास समय नहीं है ना? और दूसरा, कल के बारे में मत सोचो। और अलग से हम यीशु के ऊपर क्या झूठ शैतान लेके आता है, राइट? अभी हम देखेंगे ये धोखा नहीं तो झूठ के विरुद्ध क्या क्या दवाई है। पर दवाई क्या है? परमेश्वर का वचन नहीं तो परमेश्वर का सच्चाई। सो ये शैतान का झूठ हमेशा हमें कहाँ पे लेके जाता है? कि परमेश्वर से अलग लेके जाता है, पाप के द्वारा पाप के जगह पे लेके जाता है। और परमेश्वर कहाँ पे लेके जाता है? पवित्रता के पास, उनके पास और पवित्रता के पास लेके जाता है। हमने पहले पढ़े हैं ना 2 कुरिन्थियों 4:3-4,
तो हमने इसमें काफ़ी बार ये क्लासेस में देखे हैं कि कौन है अभी के लिए ये दुनिया में कौन परमेश्वर जैसे कार्य कर रहा है, ये संसार का शैतान था और वो क्या किया है, लोगों का मन को अंधा करके रख दिया झूठ के द्वारा। तो हमने चार चीज देखे ना, पहले कि कुछ सही लगता है बट सही नहीं है, सच्चाई लगता है सच्चाई नहीं है, अच्छा लगता है अच्छा नहीं है, कुछ चीज़ निराश लगता है, कोई आशा नहीं लगता है वो सिचुएशन में, है आशा है, मतलब बाहर रूप से अलग दिखता है और अंदर अलग है, वो शैतान इस्तेमाल करता है। तो वो ये झूठ को इस्तेमाल करके क्या करता है कि वो मसीह लोग को भी अंधा कर सकता है, कि वो मतलब हम पूरे तरीके से परमेश्वर को गहराई से ना जानने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कोई मसीह में है मगर वो सोचेगा, हम पिछले क्लास में देखे ना कि मैं सच में उद्धार में हूँ, मैं सच में मैं मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊँगा क्या, क्या शक लेके आ सकता है और क्या होगा, मैं मसीह में हूँ मगर मैं मसीह के सेवक का इतना अच्छा सा इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा, मेरे विश्वास अच्छा बहुत मजबूत स्थिर नहीं होगा। और दूसरा, हमें वचन और प्रार्थना से दूर रखता है, चेतन वो इस्तेमाल करते हैं। हम प्रेरितों के काम देखेंगे, छे चार ना, प्रेरितों का काम छे और चार, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। अभी उस समय कलीसिया का जो लीडर्स थे अगुए लोग, उनके पास एक प्रॉब्लम आया था ना, ये जो विधवा लोग है, दो ग्रुप का विधवा लोग है, उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल रहा। तो अगुआ लोग क्या बोले, हम कुछ लोग को नियुक्त करेंगे, हम कुछ लोग को नियुक्त करेंगे जो ये कार्य को देख सकते हैं ना, क्योंकि हमारा पास समय होना चाहिए प्रार्थना करने के लिए और वचन पढ़ने के लिए, कि जो अगुआ लोग हैं, जो पासवान लोग हैं, उनके पास समय होना चाहिए। एक्चुअली हर बिलीवर के पास, हर विश्वासी के पास समय होना चाहिए प्रार्थना करने के लिए और वचन पढ़ने के लिए, और शैतान हमेशा कोशिश करेगा उससे हमें दूर रखने के लिए। कैसे, क्या क्या कर सकता है शैतान हमें वचन और प्रार्थना से दूर रखने के लिए, लेजीनेस, आलसीपन, अलसी पर लेके आ सकता है, नींद आ जाती है। मैं कुछ लोग मुझे लास्ट लेडीज टाइम में क्या करते हैं, बाइबल लेते खुशी खुशी से लेते हैं, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, जैसे पहला वचन पढ़ते सो जाते हैं। हाँ, काफी लोग का नींद लेके आएगा, आलसी पर लेके आएगा, काफी लोग टायर्ड होके रात में भी पढ़ते हैं ना, तो और उनको ऑलरेडी मतलब शारीरिक तौर पर टायर्ड है, शारीरिक द्वारा और मानसिक द्वारा, तो वो टायर्ड है, पूरा दिन काम किए हैं, फिर उसके बाद वो जब पढ़ते हैं बहुत आसान से नींद हो जाती है। मतलब कुछ लोग का दवाई का जरूरत नहीं है नींद करने के लिए, तो बाइबल लेकर पढ़ सकते हैं और नींद आ जाए। और ये मुख्य पॉइंट है जो निर्मल भाई ने बोला था, क्या काफ़ी अलग अलग काम लेके आए, मैं सोचूंगा ये समय में बाइबल पढ़ूंगा नहीं तो प्रार्थना करूंगा, उसी समय कुछ काम आएगा, तो और वो काम करते दूसरा काम आएगा, तीसरा काम आएगा। मत्ती का तेरह में एक पैराबल है ना, कि जो वचन का चार तरीके से वो चार अलग अलग, हाँ बीज ना, चार अलग अलग जगह पे वो किसान बीज होता है, तो एक जगह ऐसा होता है ना जहाँ पे वो कीले है क्या, तो टॉनी बुशेस बोलते हैं ना, कि क्या बोलते हैं उसका, काटना, झाड़ियों में जो आया
जाड़ी जाड़ी पूरा उसको ये करता है, कवर करता है, और वो उसका जो टॉन्स होता है वो क्रश कर देता है। तो क्या होता है, दबा देता है, तो वो बड़ा आएगा मगर और उसके बाद वो नाश हो जाएगा क्योंकि उसका दबाव में। तो यही है, हमारा अलग अलग काम देता है, हमारा पास समय नहीं होता है वचन के लिए और बाइबल पढ़ने, वचन के लिए और प्रार्थना के लिए। कभी कभी आप लोगों से बात भी करोगे परमेश्वर के बारे में, आप सोचे हैं क्या परमेश्वर मानते हैं क्या, वो क्या बोलते हैं, अरे हमारा पास समय नहीं है उसके लिए। उनका उनका मैं उनको जाके मैं सलाम करता हूँ मंदिर में जाके, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ मगर उनके बारे में जानने के लिए टाइम नहीं है बोलते। कुछ लोग से मैं सुना है, क्योंकि शैतान कार्य करता क्या, हमने पहले भी देखे हैं ये अच्छा कार्य है, तुम्हारा तुम्हारे लिए पैसा चाहिए, पैसा बनाओ नहीं तो आनंद रहो, तुम ने तो ये अच्छा कार्य करो ना कि हॉस्पिटल में जाओ उसको मदद करो, मगर वचन के बारे में मत पढ़ो, उसको मदद करो, उसको पैसा दो, उसको खाना दो, मगर वचन मत पढ़ो। तो अच्छा कर्म के ये सब इस्तेमाल करके वो बाहर रखता है। मगर यूहन्ना 8:32 पढ़ेंगे हम, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। काफी लोग किसमें है, बंधन में है। ये जाल, चार अलग अलग जाल है। पहला क्या है, बहस नहीं तो वाद विवाद करना, दूसरा बाप करना ना डिविशन, तीसरा शक ना डाउट, और चौथा हमने अभी देखा डिसेप्शन मतलब धोखा और झूठ। इसको इस्तेमाल करके शैतान क्या करते हैं, बंधन में रखता है, फंसा देता है कि हम कार्य नहीं कर पाते और हम कमजोर होंगे, मगर परमेश्वर का वचन जो सच्चा है हमें स्वतंत्र देता है, आजाद देता है, हमें मजबूत करता है, सामर्थ्य देता है, ये बंधन तोड़ के हम स्वतंत्र होने के लिए, ये शक को निकालता है, हमें बुद्धि देता है वाद विवाद ना करने के लिए, कैसे जवाब देना है, और बात नहीं मगर एकतापन देता है, राइट। और अभी ये भी शुरू करेंगे ये क्लास में हम डिसर्नमेंट के बारे में। ओके, हमने डिसेप्शन के बारे में देखा, अभी डिसर्नमेंट के बारे में देखा, हमने चार अलग अलग जाल के बारे में देखे ना पिछले क्लास और आज, और इसको कैसे सामना कर सकते हैं, ये सामना कर सकते हैं, ये करने के लिए एक मुख्य आत्मिक हथियार है, ये डिसर्नमेंट है, हमें इस्तेमाल होता है, राइट। तो हम ये नया लेसन है डिसर्नमेंट का, क्या बोल सकते हैं हम, सूझबूझ, सोच समझ, विवेक, ये सब है इस्तेमाल करने के लिए। तो हम शायद विवेक यूज करें, मतलब इसका काफी लोग जब शायद पाप में गिरेंगे, कुछ परिस्थिति में आएंगे, कठिनाई में होंगे ना, लोग बोलते हैं, तो ये एक पासवान लिख रहा है, वो बोल रहे हैं कि इनका मुंह से मैं सुना है, मुझे पता नहीं ऐसा होगा, ये अचानक ऐसा हो गया कि मेरे ऐसा मतलब मेरा ऐसा कठिनाई में आ गया, ऐसा अचानक मुझे ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा पता चल गया मैं कैंसर, मेरा अंदर कैंसर है, नहीं तो मेरा हार्ट डिजीज है और मेरे पास कुछ समय बचा है। और कोई ऐसा बोल सकते हैं अचानक ऐसा हो गया कि मेरा जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत काफ़ी लोन हो गया, कोई ऐसा बोल सकते हैं अच्छा मुझे पता ही नहीं था अचानक ऐसा हो गया, मतलब मेरा परिवार में कोई गलत रिश्ता, किसी के साथ गलत रिश्ता हो, मेरा पति नहीं तो पति, बट क्या होता है उन्होंने उनका विवेक इस्तेमाल नहीं किया था, उसका पैर मतलब कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता, कोई भी स्लोली एक प्रोसेस है ना। हम सबसे पहले एक क्लास में हमने देखे है ना, शायद वो डॉक्टर कार्ल स्टीवन भी उन्होंने बताया है एबीडी क्लास में ना,
जैसे ये भजन संहिता एक में है ना, भजन संहिता एक में तीन पहला वचन में तीन चीज लिखा है ना कि जो डू नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ सिनर्स, सिट इन द सीट ऑफ मॉकर्स ना, वो साथ में नहीं रहता है, साथ में नहीं चलता है, साथ में बैठता नहीं है, ऐसा वो क्या है, उसमें एक प्रोग्रेशन है। तो कोई भी चूर के साथ कुछ समय रहता है फिर और गहराई में जाता है ना, और वक्त लेता है। तो कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता ना, थोड़ा थोड़ा सा वो गहराई में जाता है। तो अगर हमारा पास वो ये परखने का विवेक है तो हम पहले से ही वो जान सकते हैं और उसका उसका कार्य को रुका सकते हैं। हम कोई गलत संबंध में गिरने का जरूरत मतलब उसको रोक सकते हैं। कोई हेल्थ प्रॉब्लम अगर कोई उनका अच्छा हैबिट्स नहीं है, सोचिए कि मैं अच्छा सा बहुत ज़रूरी जो अलग अलग तरीके का जंक फूड मैं खा रहा हूँ ना, कि कुछ भी लेके मैं खा रहा हूँ, मैं कोई नशा कर रहा हूँ, नहीं तो सिगरेट पी रहा हूँ, नहीं तो मैं ठीक से नहीं खा रहा हूँ ना, तीन बार खाना है, समय पे नहीं खा रहा हूँ, बहुत लेट खा रहा हूँ, क्या होगा, 5-10 साल 15 साल के बाद असर पड़ेगा, राइट। कि अचानक नहीं हुआ, मैंने शायद टाइम पे नहीं खाया, अच्छा चीज़ नहीं खाया, कुछ काफ़ी मसाला, काफ़ी ऑयल, काफ़ी फैट शायद खा लिया, काफ़ी दिन खाया, काफ़ी वर्ष खाया, और अचानक क्या हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, नहीं तो मेरा वेट बहुत बढ़ गया, नहीं तो मेरा डायबिटीज हो गया, शुगर आ गया। तो हम मतलब रोज का अगर हमारा ये डिसर्नमेंट होगा, विवेक होगा, परखने का होगा, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है, काफ़ी लोग बिना बुद्धि का और बिना विवेक का वो रोज जी रहे, कोई ये नहीं सोचते परमेश्वर में आज का दिन में आपका क्या योजना है, मैं कैसे उसको समय को इस्तेमाल करना है और क्या चीज़ नहीं करना है, क्या चीज़ करना है। ये बुद्धि हर जगह पे दिखता है, क्या कहाँ पे हम जा रहे हैं, किसके साथ हम समय बिता रहे हैं, क्या चीज़ खा रहे हैं, क्या क्या चीज़ हम जीवन में कर रहे हैं ना, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो ये विवेक के बारे में हम देखेंगे। पहला पॉइंट ये है, परमेश्वर आज्ञा देता है हमें विवेक रहने के लिए। तो ये क्लास में हम पहला एक पॉइंट देखेंगे, उसके बाद हम अगला क्लास में बाकी देखेंगे। सो डिजर्मन क्या है, ये विवेक क्या है, ये एक क्षमता है, ये एक सिचुएशन को एक सिचुएशन को सही न्याय करने के लिए, सही न्याय करने के लिए। तो विवेक क्या है, मैं ये परमेश्वर ये क्षमता दिया है कि मैं एक सिचुएशन को नहीं तो ये व्यक्ति को सही निर्णय करने के लिए, नहीं तो सही न्याय करने के लिए। और दूसरा ये भी उसके साथ आएगा, मतलब परमेश्वर कैसे वो सिचुएशन को देख रहा है और समझ रहा है, वैसे ही मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। क्योंकि हर दिन क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन हमारा सामने आते हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज हमें बताते हैं ना, अलग अलग व्यक्ति का हम देखते हैं, सुनते भी हैं ना, और कुछ चीज़ जैसे हमने पहले देखे बाहर अलग रूप में होता है, अंदर अलग रूप में होता है। काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ हमें बोल सकते हैं, मगर हमारा पास ये परमेश्वर का विवेक होना चाहिए, ये डिसर्नमेंट होना चाहिए कि ये सच है झूठ है ना, कि जो भी मैं सुन रहा हूँ वो पूरा उसी हिसाब से नहीं ले सकता, मेरे पास एक फिल्टर होना चाहिए, राइट। तो अगर आपका जो ये टैप में पानी आ रहा है उसको आप ऐसे ही इस्तेमाल करोगे, क्या होगा, बीमार पड़ सकते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि वो दिखता है नॉर्मल है बट उसमें कीटाणु है, उसमें कुछ चीज़ जो हम पीना नहीं चाहिए वो भी मिला हुआ है, राइट। हमें क्या चाहिए, एक अक्वा गार्ड चाहिए, एक फिल्टर चाहिए। हमारा फिल्टर क्या है,
वचन है, प्रार्थना भी है, जिसे बेसिकली ये है हम पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। वो हमें वचन और प्रार्थना के द्वारा हमें मदद करेगा ये फिल्टर करने, क्योंकि काफी चीज बोल सकते हैं मुझे परखना है, मैं काफी चीज देख सकता हूँ, मुझे गलत लग सकते हैं, अच्छा लग सकते हैं, मगर परमेश्वर ही वो सही दिखा सकते हैं। तो वो डिसर्नमेंट है, वो विवेक है, परमेश्वर कैसे देख रहा है, परमेश्वर कैसे समझ रहा है, वैसे मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, ये व्यक्ति हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकता है, तो उसके लिए हमें वचन चाहिए, वचन के द्वारा ही हम ये सही निर्णय कर सकते हैं। और ये ऐसे इसके लिए नहीं है, मैं चर्च में नहीं तो बाहर भी लोगों को अंदर मैं देख रहा हूँ, मैं उनको न्याय करने के लिए नहीं है, मैं मतलब ये आत्मिक पुलिस नहीं है, स्पिरिचुअल पुलिस ऑफिसर नहीं है कि मैं जा रहा हूँ भाई ओंकार भाई आप ये गलत कर रहे हो इसको सही करो, तेजस्वी तुम ये गलत कर रहे हो ये सही करो, ऐसे मैं न्याय करने के लिए मैं इस्तेमाल वो उसका नहीं हम बात कर रहे कि हम लोगों को न्याय करने का बात नहीं कर रहे, हम परिस्थिति ये सिचुएशन और ये जो सोच है जो भी हम ले रहे हैं हमारा देखने से सुनने से हम जो हम ले रहे हैं ना हमारा सेंसेस के द्वारा उसको परखने के लिए। तो लोगों को न्याय करना परमेश्वर मना किया, परमेश्वर सबको न्याय करेंगे, मगर हम जो हम सुन रहे हैं जो हम लोगों से सुन रहे हैं देख रहे हैं और सिचुएशन को हमें परखना है, कोई प्रचार कर रहे हैं उसको भी हम परखना है ना? प्रेरितों का 17 में बेरियंस थे ना, बेरियंस वो क्या करते थे, अलग अलग प्रचार आते थे, वो लोग वचन सुनते थे मगर वो क्या करते थे, वचन के साथ वो चेक करते थे ये बराबर बोल रहे क्या, क्योंकि अगर मैं वचन के अनुसार नहीं बात करूंगा मैं क्या अपना सोच बता रहा हूँ, परमेश्वर का सोच नहीं बता रहा कि एक दो वचन देखेंगे फिर एक क्लास खत्म करेंगे ना। Ezekiel 44:23-24 देश देश के लोगों का दल लिए हुए तुझ पर चढ़ाई करेंगे और ढाल और फरी और टोप धारण किए हुए तेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधेंगे और मैं उन्हीं के हाथ न्याय का काम सौंपूंगा और वे अपने अपने नियम के अनुसार तेरा न्याय करेंगे। But actually, 23 Ezekiel 44 44:23 मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करे और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करे। जब कोई बस ये चलेगा 44:23 में ना, ये पवित्र और अपवित्र और शुद्ध और अशुद्ध का कैसे भेद और अंतर में कर सकता हूँ, परमेश्वर चाहता है वो आज्ञा करता है मैं वेद करना सीखना है क्या पवित्र है क्या शुद्ध है क्या सच्चाई है और क्या उनसे है ना मसीह से है, क्योंकि हम पहले देखे है ना ये चार जात वो शैतान इस्तेमाल करेगा हमें पाप में लेके जाने के लिए लालच में लेके जाने के लिए धोखा देने के लिए, और जब हमारा पास परमेश्वर के वचन के द्वारा विवेक होगा हम ये वेद और अंतर कर सकते हैं, और ये एक वरदान है आत्मिक वरदान है जो 1 Corinthians 12 में भी है। ओके ठीक है, अब इधर हम क्लास खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फॉलो करेंगे।